नमस्कार, मैं सियादे और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज लेकर के आया हूँ एक और बहुत ही खास वीडियो। शायद ही जो आज का वीडियो है इस बारे में आपने कभी पहले सुना हो, देखा हो, इसके बारे में कभी विचार किया हो, क्योंकि जब कोई चीज़ आगे आती है ना तो उसके बारे में वो चीज़ विचार में आती है। तो आज मेरे सामने आया ये गोला। तो क्या आपने कभी गोले की ड्रॉइंग कैसे बनती है, यानी उसका प्लान कैसा होता है, उसका एलिवेशन कैसे होता है और सेक्शन कैसा होता है, इस बारे में कभी आपने ड्राइंग देखी है, सुनी है इस बारे में? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी करते ताकि जानकारी उन तक भी पहुँच सके। तो चलिए अभी बिना देरी के चलते हैं और समझते हैं इसकी ड्राइंग कैसे बनती है। इस बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं इसका इंटरेस्टिंग सा वीडियो। देखिए, मेरे सामने रखे हुए हैं तीन गोले, एक दो और तीन। तो आप यूं समझ लीजिए, ये वाला प्लान है, इसका हमने ऊपर से फोटो लिया। यानी मैं अक्सर बताता हूं ये बात हर ड्राइंग में कि प्लान है उसका, यानी किसी भी चीज़ का ऊपर से फोटो लेते हैं तब वो कैसा दिखता है, वो वाला प्लान होता है, उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई आ जाती है, वो प्लान हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है एलिवेशन। तो एलिवेशन मतलब साइड से देखेंगे उसको तो उसकी हाइट क्या है वो आ जाएगी और उसकी चौड़ाई क्या है वो वाली आ जाएगी सामने के फेस से, यानी इस तरह से देखेंगे। तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होगी सेक्शन। सेक्शन ये होती है कि जब किसी चीज़ के हम दो हिस्से करके देखते हैं, कोई पीस काट के अलग करके देखते हैं तब पता चलता है। जैसे ये गोला, इसको अगर हम सेंटर से ऐसे बीच में से काट लें आधा, तो यानी अर्ध गोला हमारे पास बचे। और अर्ध गोले की जब सामने से फोटो लेंगे, मान लीजिए ये वाला गोला है, इसको ये जॉइंट है, यहाँ से इसको खोल लें, अलग दो कर लें, आधा इधर आधा इधर, फिर इसकी ऐसे सामने रख के इसकी फोटो जब लेंगे तब क्या आएगा, वो वाला उसका हो गया सेक्शन। तो देखिए अभी इसका प्लान कैसे बनेगा। तो ये वाला एक वर्ट, यानी 2D की बात कर रहा हूँ, 2D ड्राइंग में जब जाएंगे तो 3D में तो है पूरा चित्र हो जाता है, 3D मतलब। तो ये वाला हो गया इसका प्लान, ये देखिए ये एक वर्ट बन गया। फिर दूसरा ये एलिवेशन, तो एलिवेशन नंबर दो ये हो गया इसका एलिवेशन नंबर दो। और फिर ये इसका सेक्शन, यानी मैंने आपको बताया आधा काट के जब सामने से लेंगे फोटो तो वो भी ठीक ऐसी गोल एक वर्त आएगा। यानी मैं अभी बनाने में हाथ से ठीक नहीं बन रहा है, प्रकार से बनाएंगे तो सही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सेक्शन, यानी प्लान एलिवेशन सेक्शन, तीनों गोले का एक जैसा ही बनेगा। इसके लिए जब भी है वो गोले के बारे में बताना होता है तो क्या करते हैं कि ये गोला वर्त मार्क करके और इसका लिख देते हैं डाया, डायमीटर बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको डाया बोल देते हैं। जैसे 150 का डाया का एक गोला बना दीजिए तो पता हो गया 150 का बनाना, उसमें बाकी और कोई लंबाई चौड़ाई कुछ होती नहीं है, डाया होता है। ये वाला गोले का हमेशा डाया बताया जाता है, इतने का डाया का गोला बनेगा। अब इसके साथ में ही एक दो चीज़ और बता देता हूँ। तो देखिए, गोले का अगर ये वाला हम बाहर का क्षेत्रफल निकालने जाएं, मैं शॉर्ट में बताऊँगा, ज़्यादा लंबा बताऊँगा नहीं, अगर क्षेत्रफल इसका देखने जाएं चारों तरफ का कितना है, तो उसका जो सूत्र होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है 4πr², यानी ये वाला 4πr². और अगर इसी गोले का इसमें लकड़ी कितनी है, यानी इसका आयतन निकालना हो, तो उसका सूत्र है वो और मैं आपको बता देता हूँ। वो होगा 3/4πr³, यानी का घन। ये वाला अगर इसके अंदर लकड़ी कितनी है, कितनी, जैसे हम घन फीट निकालते हैं ना, घन फीट या स्क्वायर फीट या फिर स्क्वायर मीटर,
इसके अंदर में जो माल है वो कितना है, कितना लकड़ी लगी है वो निकालना है। तो उसका सूत्र, इसका फॉर्मूला है ये नीचे वाला, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं वो वाला निकालना है। तो ये ऊपर वाला जो 4πr² है, और मान लीजिए हमें अर्ध गोले का निकालना है, तो उसके लिए अर्ध गोले का अगर निकालेंगे तो उसका हो जाएगा यानी इसका आधा 2πr², बस इतना ही फर्क होगा, यानी इसका आधा हो जाएगा, वो सीधा सीधा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो से एक नई जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।